बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गपशप नामा के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान और मैं हूं सना इकबाल। नाज़रीन, इसके साथ ही अगर हम सबसे पहले करंट अफेयर्स पे बात करें तो सुनने में आ रहा है बहुत ज़्यादा कि फरवरी और मार्च के दरमियान जो है वो कोरोना की वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में भी फ्राहम की जाएगी और दी जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दी जाएगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं और इसमें कुछ चीज़ें उन्होंने नॉमिनेट किए। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को कोरोना हो चुका है पहले तो उसको जो है वो बहुत कम चांसेस है कि दोबारा कोरोना जो है वो हो। इस हवाले से उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया है। आम लोगों को जो है वो इसकी वैक्सीनेशन जो है वो करवाई जाएगी, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से होगी वो फ्री होगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो अपने इंडिविजुअली अपने तौर पे अगर वो करवाना चाहें तो वो करवा सकेंगे। दूसरा, अगर हम यहाँ पे ये देखें तो बहुत सारे ममालिक भी, जिसमें रूस शामिल है, उसने ऑफ़र की है फ्री कोरोना वैक्सीन देने की। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव भी आ रही हैं। बहुत सारे लोगों के जो है वो एक गॉसिप्स भी चल रही हैं कि ये जो वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है इसका मकसद असल में क्या है। असल में तो जो नज़र आ रहा है कि वो यही है कि जो ये वबा है इससे बचा जाए, लेकिन बहुत सारे हमारा तबका ऐसा भी है जो वो इसके ख़िलाफ़ भी है, वो इस तरह की भी चीज़ें चल रही हैं। तो बहरहाल इसका असल क्या है वो तो जब ये वैक्सीन आएगी और फिर हुकूमत की क्या उसके हवाले से हिकमत अमली होती है, वो किस तरह से तमाम लोगों को वैक्सीनेट करते हैं और उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पर ये बात मेरा ख्याल है कि ज़रूर जहन में आती है कि ये एक वबा है और उसमें वैक्सीनेशन के लिए बहुत सारे ममालिक अब आगे आ रहे हैं कि हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसके अगर हम पस मंज़र में देखें तो बहुत सारी ऐसी बातें भी, जिस तरह एक तालीम हमारी सबसे मेजर जो है मसला है जी बिल्कुल, और ये उस मसले से मेरे ख्याल है कि बहुत बड़ा मसला है। उसमें अगर हम ये देखें कि जब हमारे तमाम जितने भी बच्चे हैं वो स्कूलों में नहीं हैं, एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो हमारे स्कूलों से बाहर है, क्या उन लोगों को, उन बच्चों को एजुकेशन देने के हवाले से कभी किसी मुल्क ने जो है इस तरह की ऑफर्स की हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये भी ज़रूर देखना चाहिए हमें। बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ है अगर इस वबा से हमें वैक्सीनेशन लेके, अगर तो इसमें ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए है तो फिर हमें डेफिनेटली इसकी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस सिचुएशन से इस टाइम पूरी दुनिया जो है वो लड़ रही है तो उसमें अगर हमें किस तरह की फैसिलिटी मिलती है तो वो देखना ये है कि हुकूमत की क्या हिकमत अमली है और किस तरह से वो इसको, इसकी जांच पड़ताल करते हैं कि जो वैक्सीन आने वाली है या लगने वाली है उसमें लोगों को किस तरह से ये शामिल करेंगे। क्योंकि असल जो चीज़ है, तमाम लोगों को जेन में ये चीज़ ले के आना, उनको मोटिवेट करना कि जो वैक्सीनेशन अभी हम देने लगे हैं वो आपकी बेहतरी के लिए है। तो इस हवाले से बहुत सारे मरहला कि ये भी एक हमारी हुकूमत के लिए एक चैलेंज होगा कि सब लोगों को इसके लिए, जिस तरह पोलियो अगर हम देखें उसमें बहुत सारे लोग हैं जो इसके ख़िलाफ़ हैं और मतलब वो नहीं लगवाते अपने बच्चों को, और उसके लिए फिर हुकूमत को जो है वो ज़बरदस्ती भी करनी पड़ती है, पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। तो अब देखना ये है कि ये जो अभी आने वाला वक्त है वो किस तरह से हम इस मौजूदा सूरत हाल को, हुकूमत जो है वो, ये भी हुकूमत के लिए मेरा ख्याल है कि चैलेंज होगा कि उसको किस तरह से, टफ चैलेंज है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सियालकोट के हवाले से, एयर सियाल के हवाले से, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब इंशाल्लाह सियालकोट आ रहे हैं जी बिल्कुल, और उसमें उन्होंने एक तो ये एविएशन डिपार्टमेंट का जो से जो खिताब है उन्होंने करना है, और इसके अलावा चैम्बर में भी उनका दौरा जो है मुतवक्के है। और जो सर्विस, जो मैं समझता हूँ कि सियालकोट ने जो एक तारीख रकम जी की है उसके हवाले से भी वो जायज़ा लेंगे वहाँ पर जाके। और मैं समझता हूँ कि ये जो पिछले दिनों अभी जो हमने अचीवमेंट, हम अगर उसको उसके हवाले से बात करें, जो एयर सियाल ने अपने जहाज जो है वो बनाए और एक तारीख रकम की, तो ये मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों के लिए, पूरी दुनिया में इसके मुतल्लिक जो है वो बात हो रही है, और सियालकोट जो है वो नुमाया है वो एक इस टाइम हुआ है। और लोग जो है वो सियालकोट के हवाले से अगर हम इंडस्ट्रियल की बात करें तो ये जारी बात है, उन्हीं की अचीवमेंट है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इमेज बन रही है पाकिस्तान में सियालकोट के हवाले से अगर हम बात करें तो, और ये हमारे लिए सबके लिए एक फ़ख्र की बात है जी बिल्कुल। और अगर हम यहाँ पर सियालकोट की बात करें तो सनअती एतबार से जो है वो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है जो कि ज़र मुबादला जो है में जो है वो सबसे आगे है, और हमारी इंडस्ट्री जो है वो सर्जिकल में, लेदर में,
हमारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बाहर के ममालिक में भेजी जाती हैं और वहाँ से ज़र मुबादला कमाया जाता है। तो ये भी एक मतलब पाकिस्तान की हुकूमत को एक बहुत पॉजिटिव चीज़ें प्रोवाइड करने में सियालकोट की इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है, और इसी वजह से जो है वो इमरान खान साहब यहाँ पर आ भी रहे हैं और डेफिनेटली वो इस चीज़ को सराहेंगे। यहाँ के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको उनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगे, और फिर सियालकोट के लिए अल्लाह करे हम और आप एक पॉजिटिव अगर हम सोचें तो हो सकता है कोई हमारे लिए प्रोजेक्ट भी वो अनाउंस करके जाए, अल्लाह करे कि इस तरह की चीज़ें हों। जाहिर बात है वज़ीर आज़म आ रहे हैं तो फिर जाहिर बात है कुछ इस तरह की चीज़ें भी होंगी, बिल्कुल, और होनी चाहिए। जब इतना कुछ सियालकोट से जो है वो हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है तो फिर सियालकोट को भी ठीक है, सियालकोट के लोग जो है वो खुद अपने बलबूते पे बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हुकूमत का भी कुछ फ़र्ज बनता है कि वो सियालकोट के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें करें। और इसके अलावा अगर हम बात करें इमरान खान के हवाले से तो डेफिनेटली जिस तरह की बात हो रही है कि फेवर की, जाहिर बात है हम ये बात कर रहे हैं कि वो हमें फेवर देंगे सियालकोट को, वो ऑलरेडी मेरे सुनने में ये चीज़ आई है कि वो दो दफ़ा ऑलरेडी एयर सियाल को जो है वो ये फेवर दे चुके हैं, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है जिस दौरान आपने जो है वो जो अपने एक टारगेट अचीव करना होता है, तो उस हवाले से दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो इनका लाइसेंस था वो उन मतलब वो एक्सपायरी के करीब हुआ, एक्सपायर हुआ, और अगर उसको दोबारा से वो रिन्यू करवाते तो उसके ऊपर बकायदा और ज़्यादा उनका खर्चा आता, पैसे होते। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनका एक स्पेशल फेवर है सियालकोट के लिए, एयर सियाल के लिए, कि उन्होंने दोबारा दो दफ़ा जो है वो उनके लाइसेंस को रिन्यू किया और बगैर किसी पैसे के जो है वो इसको रिन्यू किया, ये भी बहुत बड़ी मदद है, और इसी हवाले से वो मेरा ख्याल है कि आज सियालकोट भी आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जब पूरा वफद एक जो जाता है वज़ीर आज़म से मिलने के लिए, तो जब सियालकोट के लोग जो है वहाँ पे गए पूरा एक वफद लेके, तो जब उनको पता चला तो उन्होंने स्पेशली ये कहा कि अच्छा जी सियालकोट से लोग आए हैं, और सियालकोट से उन्होंने साथ ये भी कोट किया कि सियालकोट के लोग तो जो है, और डेफिनेटली ऐसा है भी कि सियालकोट के लोग इस काबिल हैं कि उन्होंने अपना एयरपोर्ट बनाया है, अपनी सड़कें बनाई हैं। तो हमारे जो वफद के सरबराह थे उन्होंने स्पेशली वज़ीर आज़म को ये खुशखबरी दी कि आज हम एयर सियाल के हवाले से आपको ये खुशखबरी देने के लिए आए हैं। बिल्कुल सर, इसके बारे में मैं भी थोड़ा सा जानती हूँ क्योंकि ये 2 साल पहले की बात है और इमरान खान साहब ने कहा था, और बल्कि ये बात स्पेशली सियालकोट वालों के बारे में हुई थी कि सियालकोट वाले तो बड़े बड़े काम करते हैं, वो अपने एयरपोर्ट उन्होंने खुद बना लिए, अपना ड्राई पोर्ट और सारे काम। और इसी हवाले से जो आपने बात की लाइसेंस की, तो उसी के रिन्यू के लिए, लाइसेंस के रिन्यू के लिए भी उसी टाइम ही बात हुई थी। हाँ, बिल्कुल उसी टाइम वही, और उन्होंने फिर उसको और एयर सियाल के बारे में उसी टाइम डिस्कशन हुई थी और बताया गया था एयर सियाल के मनसूबे के बारे में, तमाम जो बातें हैं वो हुई, और आज जो है एयर सियाल जो है रवान दवा है और वो उस पर काम हो रहा है और पूरी दुनिया में इस बारे में बात की जा रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। इसी खुशी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक व्यूवर्स जी, तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेगमेंट होता है गोल्डन वर्ड्स, लेकिन सियालकोट की खुशी ही इतनी थी कि हम बातों बातों में फर्स्ट सेगमेंट जो है हम लोगों ने सियालकोट पे डिस्कशन की, तो बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जो कि है गोल्डन वर्ड्स। जी तो सर, आज आप कौन से ऐसे गोल्डन वर्ड्स हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे? जी बिल्कुल, आज भी हमारे पास एज यूजुअल गोल्डन वर्ड्स हैं, एक गुलदस्ता है वर्ड्स का, और उसमें सबसे पहले ये है कि दिलों में फ़र्क आ जाए तो रिश्ते निभाए नहीं जाते बल्कि घसीटे जाते हैं। बिल्कुल, और ऐसा होता है कि समटाइम रिश्तों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे ताल्लुकात में कुछ तरह की चीज़ें हो जाती हैं जो कि हम उस टाइम उसको सेटल तो कर लेते हैं लेकिन फिर वो चीज़ रहती नहीं है। जी बिल्कुल, और फिर इसीलिए कहते हैं कि उसको फिर घसीटा जाता है। ज़ाहिर बात है कि रिश्ते जो होंगे कुदरती तौर पर नेचुरल जो रिश्ते हमें मिलते हैं उनको निभाना तो होता है, लेकिन जो असल चीज़ होती है वो दिल के अंदर होती है, आपकी जो अटैचमेंट होती है, वो आपके जज्बात जो एहसास होते हैं वो आपके अंदर होते हैं, उनका जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो आपके दिमाग के साथ होता है, आपके दिल के साथ होता है। जो चीज़ आप दिल से करते हो वो उसका अपना ही अलग मज़ा होता है। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि रिश्ते निभाने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है, और फिर जब इस तरह की, जब जिस तरह इसमें कहा गया है कि दिलों में अगर फ़र्क आ जाए तो रिश्ते निभाए नहीं जाते बल्कि ताल्लुक निभाए नहीं जाते बल्कि घसीटे जाते हैं, तो फिर वो घसीटने वाला ही मामला होता है, क्योंकि फिर वो एक मजबूरी के तहत होता है कि ये रिश्ता मैंने निभाना है और फिर उसको घसीटा जाता है। वो बहुत सारी चीज़ें जो दिल से नहीं होती फिर वो ऐसे ही होती है। बिल्कुल,
बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं कि जो दिल है उसको जो है वो बड़े तरीके से रखना चाहिए और अपने रिश्तों को बड़े एतदाल से रखना चाहिए। जी बिल्कुल जी। और इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी, तो तनकीद के लिए दो चुटांग जबान ही काफ़ी होती है, लेकिन बर्दाश्त के लिए हाथी जितना दिल और शेर जितना हौसला चाहिए। वाओ, बहुत ही बड़ी बात है। ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ें होती हैं कि हम तनकीद तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, किसी को भी कर लेते हैं हम लोग। कोई भी चीज़ हमें नहीं लगती अच्छी लगती तो हम एक मिनट पर कह देते यार ये क्या है। इसमें अगर हम मिसाल दें, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारा ये SF TV का कि हमारे से हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इतनी मेहनत हो रही है, सारे टेक्नीशियंस हैं, लोग कैमरामैन हैं और पूरा एक स्टाफ है हमारे साथ, फिर उसमें तमाम चीज़ें छोड़ के, या फिर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी के पीछे अगर वैसे तो अगर हम उसको देखें उसके ड्यूरेशन एक मिनट होता है, लेकिन उसके पीछे एक पूरा वर्क होता है, उसके पीछे कितना वर्क होता है वो कोई नहीं देख सकता। और हम एक मिनट में कह देते यार ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, उन्होंने क्या किया इसमें, ठीक है। तो ये तनकीद जो है होती है वो बड़ी आसान होती है, लेकिन फिर सम टाइम ये होता है कि तनकीद के बदले में अगर कोई तनकीद बराए तनकीद या उसके अगले में बदले में कोई होती है तनकीद, तो फिर उसको बर्दाश्त करने के लिए अपने ऊपर जब बात आती है तो उसको बर्दाश्त करने के लिए फिर बहुत बड़ा चाहिए होता है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे गोल्डन वर्ड्स हैं जो हम चुनते हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का मामूल है। जी बिल्कुल। तो ये भी इस हवाले से अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे रूटीन में चलती हैं। जी बिल्कुल जी। तो व्यूवर्स, आपने सुने गोल्डन वर्ड्स, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो बढ़ते हैं इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है हॉट स्टोरी। जी तो सर, आज आप हमारे व्यूवर्स के लिए कौन सी ऐसी स्टोरी लेके आए हैं जो उनके साथ शेयर करेंगे? जी बिल्कुल सना, आपने एज यूजुअल जिस तरह हमारे शोज चलते हैं उस हवाले से ही आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया कि हमारी हॉट स्टोरी है। तो आज हमारी हॉट स्टोरी नहीं है, हमारी एक रियल स्टोरी है। और रियल स्टोरी क्या है वो अभी आपको दिखाते हैं। उसमें थोड़ा सा ही आपको बता दूं कि जो हमारे पास ब्लड कैंसर के पेशेंट, थैलेसीमिया के पेशेंट्स हमारे पास जो डेली रूटीन में विज़िट करते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, थैलेसीमिया क्या है, किस तरह से इसमें जो सरवाइव करते हैं लोग, जो माएँ जिनके बच्चे जो है वो इस बीमारी में मुबतला हैं, उनकी क्या एहसास हैं, क्या जज्बात हैं, उसको जो है वो हमने रिकॉर्डिंग की, एक स्टोरी हमने ढूंढी और उसके ऊपर थोड़ी सी बात की, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और वही आज की हमारी हॉट स्टोरी भी है और रियल स्टोरी भी है। आए चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सुंदस फाउंडेशन के नर्सिंग डिपार्टमेंट में। आज हम का जो हमारा टॉपिक है वो है थैलेसीमिया के बारे में, इसकी अवेयरनेस, इसको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। जब आपके बच्चे छोटे हों तो काइंडली इनका टेस्ट करवा लें। अगर इनमें माइनर थैलेसीमिया कैरियर है तो जब आप इनकी शादी करते हैं तो अगर उस उनका भी टेस्ट करवाएं, अगर वहाँ पे भी माइनर थैलेसीमिया कैरियर है तो काइंडली इनकी शादी ना करें, क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो वो एक मेजर थैलेसीमिया बन जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे नहीं है तो आप जहाँ मर्जी चाहें अपने बच्चों की शादी करें। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे इसको हम प्रिवेंट इस तरह भी कर सकते हैं। साइप्रस में थैलेसीमिया फाउंड हुआ था, लेकिन वहाँ पर आज कोई केस भी मौजूद नहीं है थैलेसीमिया का। वो किस तरह? वो इस तरह के वहाँ पे उन्होंने एक लॉ बनाया कि जब आपने शादी करनी है तो आपको थैलेसीमिया का टेस्ट करवाना पड़ेगा, और अगर आप ये टेस्ट नहीं करवाते तो आप शादी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा लॉ इन्फोर्समेंट की हमें ज़रूरत है, जो कि शायद वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाए। तो आज हमारे पास एक मौजूद है एक माँ जिनका बच्चा जो है थैलेसीमिया का शिकार आ चुका है, तो आइए हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सादिया इफ्तिहार। आप कहाँ से आई हैं? मैं सियालकोट से ही आई हूँ। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो सुंदस फाउंडेशन कब से आ रही हैं आप अपने बच्चे को लेके? ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से। सुंदस फाउंडेशन से पहले भी आप कहीं गई थी? नहीं, हम यहाँ पर ही आए थे। तो सुंदस फाउंडेशन की सर्विसेज आपको कैसी लगती हैं? देखिए, मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों सियालकोट के जो एक्सपेंसिव और कॉस्टली हॉस्पिटल्स हैं ना, वहाँ पर हुए हैं, मगर मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कोई गाइडलाइन नहीं दी। लाखों के करीब बिल ले लिया डिलीवरीज़ का, मगर मुझे नहीं गाइड किया कि आपकी कज़न मैरिज है, आपको ये टेस्ट करवा लेने चाहिए, या आपके मेरी जो सेकंड नंबर वाली बेटी है उसको माइनर है, मगर उन्होंने हमें उसके भी नहीं टेस्ट करके बताए कि आपकी इस बच्ची को मसला है। अगर वो तभी हमें गाइड करते तो हमारा ये तीसरा बच्चा जिसमें इंटरमीडिएट है उसे हम अवॉइड कर सकते थे। पर जब मैं यहाँ पर आई हूँ, इन्होंने हमें इतने अच्छे से गाइड किया है और फ्री ऑफ कास्ट बिल्कुल ये हमें इतना अच्छा डील करते हैं कि
हम कहते हैं कि यहाँ पे सब एंजल्स हैं, हमारे लिए इतने हेल्पफुल हैं कि हम बता नहीं सकते। हम इतनी तकलीफ़ में इधर आते हैं कि उस रात नींद नहीं आती जब यहाँ पे आना होता है बच्चे को लेके। सुबह उठते हैं तो हाथ कांप रहे होते हैं हमारे कि हमारे बच्चे ने जिस सिचुएशन में पूरा दिन गुजारना है ये हमारा दिल जानता है, मगर ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। हमारे लिए समझे कि बस एक टांग पे खड़े होते हैं, और वो सब जो हमारे बच्चों के लिए ब्लड देते हैं वो दे के शायद भूल जाते हैं, मगर वो ये बात याद रखें कि हम उन्हें नहीं भूलते, वो हमारी दुआओं में हमेशा रहते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि मेरा बच्चा एक किराए की ज़िंदगी बसर कर रहा है और उसका किराया वो लोग दे रहे हैं जो उससे ब्लड देते हैं, तो वो सब हमारी दुआओं में है। और सबके लिए मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़ जब आप कज़िन मैरिज करते हैं तो आप अपने बच्चों के टेस्ट ज़रूर करवाएं। तो आपको अपने यूथ में या शादी से पहले थैलेसीमिया का आइडिया था कि क्या होता है या किस तरह है? नहीं, मुझे पता था कि बच्चों को ब्लड लगता है, मगर मुझे ये नहीं था पता कि ये बीमारी कैसे प्रिवेल होती है, और ये भी नहीं था पता कि आने वाले वक्त में मुझे इसे फेस करना पड़ेगा, मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम आएगी। तो मैम, जैसे कि आपने कहा कि आपको अपनी यूथ में नहीं पता था थैलेसीमिया क्या होता है, इसकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, तो जो लोग अब हैं यूथ है आज की जो इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेती, वो ऐसी मजाक हंसी मजाक में उड़ा देते हैं इस चीज़ को, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस चीज़ को सीरियस लें, क्योंकि ये वीडियो बहुत से लोग देखेंगे, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि देखें, मैंने LLB किया हुआ है मगर मेरी ज़िंदगी इस नुक्ते पर आके जामद हो गई है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं कर सकती, मैं ऐसे मफलूज हो गई हूँ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। प्लीज़ मेरे इस मैसेज को, मैं इस बात के लिए बड़ी देर से जो है ना चाहती थी कि मैं सबको बताऊँ अपनी सिचुएशन, प्लीज़ इसको केयरफुली लें और अपने ज़रूर टेस्ट करवाएं अपने बच्चों के। मैं फैमिली में भी कहती हूँ कि फैमिली में कज़न मैरिज से पहले सब ज़रूर टेस्ट करवाएं, मैं सबको यही कहूँगी, मैं डॉक्टर्स को भी कहूँगी कि आपने मुझसे ये तो पूछ लिया कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपकी अर्निंग कितनी है, मगर प्लीज़ मुझसे उस टाइम ये पूछ लिया होता कि आपकी कज़न मैरिज है, आपने ये टेस्ट करवाए हैं या नहीं करवाए। मैं लोगों को भी कहूँगी कि प्लीज़ केयरफुल हो जाएं, ये बहुत पैनिक सिचुएशन है। मैं अपने बच्चे को इसी मंथ कराची लेके जा रही हूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, मैंने तो जैसे तैसे 50 लाख के अबाउट जो है वो कर लिया कलेक्ट, वो मैं जानती हूँ मैं कैसे कर रही हूँ, मगर हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता। मैं आज सुबह भी इन सब बच्चों के लिए भी मेरी आंख से आंसू बहे हैं कि या परवरदिगार, मैं तो ले जा रही हूँ मगर वो भी तो बच्चे हैं, उनका कौन जिम्मेदार है, उनकी माओ के भी तो दिल वैसे ही रोते हैं जैसे मेरा रो रहा है। तो मैं अपने लीडर से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इन लोगों की मदद करें, ये बहुत तकलीफ़ में है, इनकी दुआएं लें। और मैं सब लोगों को ये कहूँगी कि प्लीज़ केयरफुल हो जाएं, जो कज़न मैरिज कर रहे हैं वो अपने सारे टेस्ट ज़रूर करवाएं और इस बीमारी से बचें, ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है, खुदा किसी को इसमें ना डालें। और यही कहूँगी कि सब मेरे बच्चे के लिए भी दुआ करें और हर मरीज़ के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उसे शिफा याब अता करे। एंड देन हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला आपके बच्चे को शफा दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे एक। और हम एंड पे ये पूछेंगे कि जो लोग यहाँ पे सुंदर फाउंडेशन में ब्लड डोनेट करते हैं तो उनके लिए आपका कोई मैसेज हो? मैं अपने जो बच्चे को ब्लड लगता है उस बैग के ऊपर उसका नाम पढ़ती हूँ जिसने दिया है, फिर मैं उनके लिए नमाज में भी दुआ करती हूँ और कहती हूँ कि अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाओ, और अल्लाह पाक ही आपने उन्हें तौफीक दी है कि वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने इस तरह के बंदों को अपनी हिफाजत में रखो, उनके लिए हम हमेशा दुआएं करते हैं और वो नहीं जानते कि कितनी दुआएं वो लेते हैं हमसे। और प्लीज़ सब लोग इधर प्लीज़ डोनेट करें, ये बहुत हेल्पफुल लोग हैं, और इस तरह का तो कोई बड़े से बड़ा एक्सपेंसिव हॉस्पिटल भी नहीं मैंने देखा। मैं अपने बच्चे को लेके लाहौर, कराची, इस्लामाबाद हर जगह भाग रही हूँ, मगर यहाँ पर सब बहुत हेल्पफुल हैं, अल्लाह पाक इनको बहुत अजर दे। थैंक यू सो मच मैम। तो जी व्यूअर, जैसे कि इस माँ ने जो हम लोगों को ब्लड डोनेट करते हैं एक इतना अच्छा ट्रिब्यूट दिया है कि हर माँ जो अपने बच्चे को आप लोगों का खून लगवाती है, आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती है और पता नहीं कब किसकी दुआ आपको लग जाए, तो काइंडली इसी तरह हमें अपने ब्लड डोनेशंस देते रहें और दुआएँ हासिल करते रहें, क्योंकि इससे अच्छा मौका मेरा नहीं ख्याल है कोई और होगा। आज की स्टोरी को हम यहीं पर एंड करेंगे और मिलेंगे आपको बहुत जल्द एक नई स्टोरी के साथ। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, आपने स्टोरी देखी, रियल स्टोरी देखी, और इसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। सबसे पहले जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक माँ के एहसासात, एक माँ के जज्बात क्या थे, अपने बच्चे को लेके वो कितनी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है, और फिर उसके अलावा अगर हम देखें जो बात कर रही है कि अपने बच्चे को लेके जा रही है,
बोन मैरो के लिए, उसने बताया कि किस तरह से, मैं तो चलो कोई किसी तरीके से अफोर्ड कर रही हूँ या मैं वो पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए लेके जा रही हूँ, लेकिन बाकी बच्चे, बाकी जो इस टाइम दिखाए गए हैं जो ब्लड वगैरह लगा रहे, जो रोजाना हमारे पास ब्लड लगवाने के लिए आते भी हैं, तो वो किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं। इसमें आप लोगों को के लिए एक सबक भी है, और वो ये है कि आपने थैलेसीमिया से अगर बचना है तो आपने करना क्या है। और इसका स्टोरी का असल मकसद ही है, थीम ही यही है कि आपको ये बताया जाए कि आपकी शादी के बाद अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आती है, और आपको पता है कि वो टेस्ट से या वो शादी से पहले मैं प्रिकॉशंस जो है वो आपको पता है, और फिर भी आप वो प्रिकॉशंस नहीं लेते, तो फिर आपकी ज़िंदगी में अगर कोई मसला आता है तो उसके ज़िम्मेदार मेरा ख्याल है कि आप हैं। जी बिल्कुल। फिर इसके अलावा उन्होंने एक बात की, ब्लड डोनर्स को एक बहुत बड़ी दुआ दी है, मेरा ख्याल है कि ब्लड डोनर्स जो उनके बच्चों के लिए ब्लड डोनेट करते हैं, वो बाकायदा अपने बच्चे के लगने वाला जो ब्लड होता है उसको उस नाम को देखती है किसने ब्लड दिया, फिर उसके लिए दुआएं करती है। तो मेरा ख्याल है कि ये दुआएं जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहमियत रखती हैं। और मैं स्पेशली ब्लड डोनर्स को ये बात करना चाहूँगा कि आप जब ब्लड दे देते हैं, हो सकता है आप बाद में भूल जाएँ मैंने ब्लड दिया भी था या नहीं दिया था या कब दिया था, लेकिन वो दुआएं जो एक माँ को के बच्चे को ब्लड लगते हुए वो आपके लिए निकलती हैं, वो बहुत बड़ा मेरा सरमाया है आपकी ज़िंदगी में। और आपके वो ज़िंदगी में मुश्किल वक्त में जो मुश्किल काम है जो आपकी ज़िंदगी में कहीं नहीं हो रहे, कहीं से नहीं हो रहे, वो उन दुआओं की वजह से हो रहे। और ये मैं प्रैक्टिकल भी मेरे साथ होता है समटाइम, कोई ऐसा मेरे साथ क्या सबके साथ होता होगा कि समटाइम हम ज़िंदगी में कोई ऐसा काम हमारा हो जाता है, हम सोचते हैं यार ये तो कैसे हो गया, पॉसिबल ही नहीं था, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिल जाती है, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है आपकी ज़िंदगी में, तो वो ऐसे नहीं हो जाता, वो उसके पीछे वो दुआएं होती हैं, वो नेक आमाल होते हैं जो हम करके तो भूल जाते हैं लेकिन वो दुआएं हमारे हमारी ज़िंदगी भर हमारा पीछा करती हैं, और ऐसे आड़े वक्तों में, ऐसे मुश्किल वक्तों में जो है वो हमारे काम आती हैं। जी बिल्कुल। तो ये आज की स्टोरी का जो है वो मकसद ये था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जारी रखें कि आपको रियल स्टोरीज़ बताएँ कि क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं ज़िंदगी। जी तो सर, इसके साथ ही मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, और स्पेशली हमारे डोनर्स के लिए, और अक्सर ऐसा होता है कि डोनर्स ब्लीड करवाते हैं, ब्लड डोनेट करके जाते हैं, लेकिन अगर कभी उनको ज़रूरत पड़ती है सुंदस फाउंडेशन से ब्लड लेने के लिए आते हैं या यहाँ पर ब्लड नहीं अवेलेबल होता तो हम उनको बताते हैं कि ब्लड इस टाइम नहीं है, लेकिन डोनर्स का आगे से रिप्लाई होता है, बाज़ डोनर्स का, ज़्यादातर नहीं, वो कहते हैं कि जब आपको ज़रूरत पड़ी तो हमने दिया ब्लड, लेकिन अब हमें ज़रूरत पड़ी तो आप नहीं देते। उन्हीं डोनर्स के लिए एक मैसेज है छोटा सा, कि जो ब्लड आप देके जाते हैं वो डेली बेसिस पे सुंदस फाउंडेशन के पेशेंट्स जिनमें थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, एनीमिया, ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको लगाया जाता है, और उसके बाद ये रूटीन है कि हर पेशेंट्स को 1 month में 2 or 3 times जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सना, ये बहुत ज़बरदस्त आपने पॉइंट उठाया है, और मैं इस हवाले से मेरे अपने एक्सपीरियंस पे भी हैं, जब हम ब्लड कैंप करने जाते थे, मैं जाता था, और जब इस तरह हमारी टीम भी जाती है, तो कॉलेज में फॉर एग्जांपल वहाँ पे 100 bags हुए हैं, एक्सपोज जबकि होते नहीं है, बहुत कम होता है कि 100 bags भी हुए, तो वो 100 bags हमारे लिए सिर्फ 3 या 4 दिन के लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, 3-4 दिन के बाद वो हमारे पास ख़त्म हो जाता है ब्लड। उसकी वजह क्या है कि रोज़ाना हमारे पास 25 से 30 बच्चे ब्लड लगवाने के लिए आते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 100 bags जो हम एक कॉलेज से लेके आए हैं वो हमारे लिए कितने दिन के लिए। तो वहाँ से जब लोग कहते हैं, तो ये स्पेशली जैसा आपने कहा, तो स्पेशली कहते हैं जी आप, हमने आपको 100 bags दिए थे और आज हमें 1 bag की ज़रूरत पड़ी, आपके पास नहीं है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि हमने हमारे पास अगर ब्लड मौजूद है तो वो उन लोगों के लिए जिनको इसकी ज़रूरत है, ब्लड कोई खुशी से तो नहीं लगवाते। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जब किसी को ज़रूरत होती है तो फिर लगाते हैं वो ब्लड। और फिर इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो आपने नेकी की है ना, वो अपने अल्लाह के साथ मामला रखें उसका, ये ना कहें कि मैंने आज ब्लड दिया तो कल को मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँगा, ये तो फिर नेकी ना हुई, ये तो फिर आप अपने लिए दे रहे हैं कि यार आज मैंने दिया है, कल मुझे चाहिए होगा तो मैं वापस ले लूँगा। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था जो कि डिस्कस करने में हम लोगों के मार्केटिंग स्टाफ के साथ भी अक्सर ऐसा हो जाता है। बिल्कुल, और उसमें अगर आपको ज़रूरत है ब्लड की और हमारे पास आते हैं और हमारे पास मौजूद है ब्लड, तो फिर हमने देना है, हमने अपने पास क्या करना है। अगर नहीं है तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डेली बेस पे कितना ब्लड चाहिए होता है और किस तरह से हम इसको सर्वाइव करते हैं, किस तरह से इन बच्चों को ब्लड लगाते हैं। तो ये एक बात है जो बहुत समझने वाली बात है। जी नाज़रीन, उम्मीद है जो पैगाम हम आप तक पहुंचाना चाहते थे आप तक पहुंच गया होगा। इसके साथ ही हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए गपशपनामा।
वेलकम बैक व्यूवर्स, बढ़ते हैं इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है वीडियो ऑफ द डे। जी तो सर, क्या आप रेडी हैं इस सेगमेंट के लिए? जी बिल्कुल रेडी हूँ मैं, और आज की वीडियोस देखते हैं क्या है। जी बिल्कुल जी, तो चलते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो की तरफ। और भाई तेरा भरा कितने बड़ा? वो बाहर दे मुल्क गया है। तो तेरा अबू? यार वो तो नहीं है, ओ मामा काम ते गया वा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि सम टाइम हम जो है वो गलत एक्सपेक्ट करते हैं। सिचुएशन ही ऐसी होती है कि इंसान जो है, बल्कि आजकल जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो कोडिंग और डीकोडिंग, अगर हम इसको कहें कि मतलब आप कह कुछ रहे होते हैं, अगला बंदा जो है उसको कैसे कोड कर रहा है। वो आपके समटाइम हमारा लहजा इस तरह का होता है कि हम उसको बहुत सारी चीज़ें वो गलत जी बिल्कुल जज कर लेते हैं, तो ये होता है समटाइम। ऐसे एक वाक्य, एक छोटा सा, कि हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, तो हमारे एक अंकल थे, तो उनको पंजाबी नहीं आती थी बिल्कुल भी। तो ऐसे हमारे घर में आए तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ें कौन सेट करेगा। तो मैंने बोला, मैंने पंजाबी में बोला, मैंने उनको बोला तुसी किस वस्ते हो। वो कोई 5-6 माह हमें मिले ही नहीं कि अंकल कहाँ आए, और दोबारा से वो हमारे घर नहीं आए। तो कुछ अरसे बाद मेरी अम्मी गुजर रही थी तो वो अंकल मिले, तो मेरी अम्मी ने बोला कि आप घर क्यों नहीं आए, या कोई ऐसा इशू था, ये क्या हुआ? तो ही सेट के सना ने मुझे इस तरह बोला है, मुझे ये बोला था। तो मेरी अम्मी कहती हूँ, उनको लगा कि शायद मैंने उनको कुछ पंजाबी में गलत बोल दिया है, कुछ गलत इस तरह निकल गया मेरे मुँह से। तो मेरी अम्मी ने उनको बताया कि ये बात जो है ना, कि तुसी किस वस्ते हो, इसका मतलब है कि आप किस लिए हैं। तो वो यही मीन था कि चलो उनको तो पंजाबी में इशू हुआ, लेकिन आजकल ऐसा होता है कि हम बोल कुछ रहे होते हैं लेकिन जो नेक्स्ट इंसान है कुछ और सोच रहा होता। जी तो चलते हैं इसके साथ ही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ चुके हैं। मेरी जॉब लग गई है बाबा। अच्छा, मुबारक हो बेटा। हाँ, और छोटे को बाहर भेजने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। अच्छी बात है। बस अब छोटे की शादी करनी है, उसके लिए पैसे जोड़ने हैं। बड़ी जल्दी जिम्मेदार हो गया मेरा बेटा। मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी सारी जिम्मेदारियाँ आपने मुझ पे डाल देनी है। बस जो अल्लाह को मंजूर बेटा। अच्छा चल, शाम हो रही है, घर जा और देहान से जाई। ठीक है बाबा। बहुत ही अच्छा मैसेज था एक छोटे से बिल्कुल ऐसा में। होता है समटाइम हमारी ज़िंदगी में, हमारे माशरे में ऐसा होता है कि कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो वक्त से पहले इंसान पे आ जाती हैं, और इस तरह के बहुत सारे वाकयात हम देखते भी हैं, हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है, ये हिस्सा है कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला के फैसलों के सामने बिल्कुल बेबस हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन होती है कि जब इंसान समटाइम ऐसा होता है, कुछ लोगों के जो है वो खेलने कूदने के दिन होते हैं, और वो अपने जिम्मेदारियों की वजह से जो है वो अपना सारा जितना वो टाइम होता है वो कुर्बान करते हैं। इस तरह भी ये बताया गया सर, बहुत सारे हमारे माशरे में मेरे खुद बड़े नॉलेज में ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोग जो हैं वो मतलब भाई कम और बाप ज़्यादा, वो जिम्मेदारी एकदम से आन पड़ती है वो तमाम लोगों की, और फिर वो अपना बचपन और अपनी जवानी जो है वो फिर उसी चीज़ में लगा देते हैं कि किस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी और अपने बहन भाइयों की और अपने माँ की या अपनी फैमिली की अपनी फैमिली को लेकर कैसे आसान कर सकता हूँ। तो ये जब जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं तो फिर वो बाकी सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। जी बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत थी जो एक छोटी सी वीडियो में जो है वो बताई गई। जी बिल्कुल, और छोटे से टाइम मतलब बहुत कम टाइम पीरियड होता है उसका, इसका सबसे बड़ा मज़ा ही यही है, ये टिकटॉक वीडियोज़ जो है इसका सबसे बड़ा, अगर हम इसको पॉजिटिव, फिर मैं यही कहूँगा कि पॉजिटिव वे अगर हम इसको यूटिलाइज करें तो इसको इसमें बहुत बड़े अच्छे अच्छे मैसेज लगा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, तो व्यूवर्स चलते हैं इसके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ जो कि है तालीम शफकत महमूद साहब, उन्होंने वास्ते को मैसेज देना चाहूंगा। मैसेज यही कहना चाहूंगा कि साल खराब हो रहा, बच्चे आवारा होंगे, तो हमारा पाकिस्तान नीचे आएगा, और उनसे गुजारिश है कि स्कूल खोल दें, हमारा पाकिस्तान बढ़ाई से तां जाएगा, हमारा पाकिस्तान बढ़ाई से तां जाएगा। अच्छा तुसी कड़ी क्लास पढ़ते हो? मैं पढ़ता नहीं। अगर तू पढ़ता नहीं फिर तेनू कादी एडी फिक्र है स्कूल बंद होण या खुले होण? मैं बाहर नान टिके लाना जी। देखिए
ये बड़ी मतलब वो नान टिक्की वाले की जो है ना, वो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको कि कोरोना की वजह से बात है स्कूल बंद है और उसका भी स्कूल मतलब जाने बच्चों की तालीम का कोई नहीं है, लेकिन वो जो उसकी नान टिक्की जो है नहीं बिक रही उस पर बड़ी जबरदस्त और फनी वीडियो थी, मजे की वीडियो थी। चलते हैं इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो की तरफ जो के है, तुम माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहता? क्योंकि मैंने अपना घर ले लिया है, तूने अभी तक अपने माँ बाप को साथ रखा हुआ है। ओ भाई मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उनको अपने साथ रख सकूं, उन्होंने मुझे अपने साथ रखा हुआ है। सच्ची अखा मेरी ताई औकात नहीं कि जिन्ना कीता दे मत। बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बिल्कुल ऐसा ही है, हकीकत है ये, बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है। माँ बाप हमें इस काबिल बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद हमने माँ बाप को रखा हुआ जी, बिल्कुल। तो वाकई हमारी औकात नहीं है कि हम अपने माँ बाप को अपने साथ रखें, उन्होंने अपने साथ रखा होता है। और अक्सर मैं सोचती हूँ कि एक बाप के या एक, वैसे हम जो बहन भाई हैं तीन चार, एक माँ बाप के बच्चे होते हैं, और एक बाप जो होता है वो पूरी फैमिली को लेके चल रहा होता है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो फिर कहते हैं, अक्सर ऐसा होता है ज़िंदगी में या देखने में आता है ये हमारे माशरे में भी, कि हम कहते हैं मिल के भी वो चार बच्चे एक पेरेंट्स को नहीं रख सकते, माँ बाप को जो है वो एंड पे कहेंगे ये आपसे इशू है, ये आपसे इशू है, फिर उनका बोलना भी बुरा लगता है। लेकिन ये बहुत बड़ी हकीकत है। लेकिन ये सब कुछ वो लोग करते हैं जो इस नेमत को समझ नहीं सकते, कदर नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने माँ बाप को सर पे बिठा के रखते हैं। जी बिल्कुल। और वो ही लोग होते हैं जो जिंदगी में दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं इसके साथ ही एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए गपशप नामा। वेलकम बैक व्यूवर्स, इसके साथ ही हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है बूझो तो जाने। सर इस सेगमेंट के लिए आप रेडी हैं? जी बिल्कुल, सेगमेंट अब मेरा आज हमने थोड़ा सा इसको फिर चेंज किया है, क्योंकि अच्छा। लास्ट सेगमेंट में आपके लिए बहुत इजी हो गया था, पूरी कोशिश होती है जी, बिल्कुल पजल हूं जी बिल्कुल, लेकिन हम आपको हिंट्स भी देते हैं। हां चलें देखते हैं आज जी। चलते हैं इसके साथ ही अपनी फर्स्ट पिक्चर की तरफ और देखते हैं क्या हमारे होस्ट उनको गेस कर पाएंगे या नहीं। हाँ, ये तो आज वाकई पजल कर दिया आपने। जी बिल्कुल, हमने उसको टोटली जो है वो लास्ट टाइम तो सिर्फ आईज नजर आ रही थी, मुंह को जो है वो बिल्कुल बिगाड़ दिया आपने। लेकिन अगर देखें इसकी मतलब आईज को मैं जरा क्लोज करके देखना चाहता हूँ अगर, तो जी 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 बिल्कुल, कॉमेडियन है, कॉमेडियन है, और ये मोइन अख्तर साहब हैं, द लेजेंड। जी बिल्कुल बिल्कुल, मोइन अख्तर साहब हैं, और मींस के आज भी आपके लिए इजी हो गया है। इजी है, और ये शख्सियत ऐसी है कि जिनको मतलब कौन नहीं जानता। जी बिल्कुल ऐसे ही फीचर्स जो है वो, सर इनकी आंखों में ऐसी कौन सी गहराई छुपी हुई है जो उन्होंने जो आपने इनको आंखों से पहचान लिया। इनकी आंखों में इनका फन झलक रहा है, जो इन्होंने इतने अरसे अपने फन की खिदमत की है और एक नाम कमाया है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इन्होंने अपना नाम कमाया है। और ये भी एक उनकी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब ज़िंदगी के आखिरी आयाम में थे तो ये बहुत ज़्यादा इनका जो मतलब ताल्लुक था अल्लाह से बहुत ज़्यादा जुड़ गया हुआ था, और इनके एक दो इंटरव्यूज़ मैंने देखे तो मुझे ऐसा लग रहा जैसे कोई बहुत बड़ा आलम बात कर रहा है जी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इनकी बहुत बड़ी चीज़ है कि एक कॉमेडियन हो के इतना ज़्यादा उनका नॉलेज था मजहबी हवाले से, और उन्होंने जो जो इंटरव्यू में बातें की थी वो कोई एक आलम ही कर सकता है जी। सही, मतलब बहुत ज़बरदस्त जी। तो चलते हैं इसके साथ ही अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ जो कि है जी सर, इनके बारे में आप बताइए। मुझे लग रहा है कि आप इनको भी गेस कर लेंगे। मुझे जो लग रहा है वो ये है कि ये हमारे स्टूडियो में आ चुके जी, हैं है। और ये वही है मेरा जी, बिल्कुल है। शामिल है। खान है, और जी, अभी रिसेंटली हमारे स्टूडियो में मोहित के साथ इनका शो भी था जी, बिल्कुल, और बहुत ज़बरदस्त। और मैं स्पेशली इस वीडियो के थ्रू उनको ये थैंक्स बोलना चाहूँगा, और बल्कि मैं उस दिन यहाँ पे मौजूद नहीं था, अगर मैं होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। और उन्होंने बकायदा सुंदर फाउंडेशन में आके मुझे बताया, यहाँ की टीम ने मोहित ने स्पेशली ब्रीफ किया कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों से मिले, फिर टीम के साथ उन्होंने जैसे वक्त गुजारा, और फिर मिस पाकिस्तान यहाँ पे थी और एक दो एक्टर्स थे इनके साथ। तो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि वो इन बच्चों के लिए आए, उन बच्चों से मिले, उनको खुशियाँ दी जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। इट मीन्स कि आज भी आपके लिए बहुत ईजी है ये सेगमेंट। हाँ, ये आसान हो गया था क्योंकि हम इसको कुछ और तरीके से, किसी और तरीके से टफ करने की कोशिश करते हैं।
जी चलते हैं इसके साथ ही नेक्स्ट पिक्चर की तरफ जो क्या है जी, तो इनके बारे में बताइए आप। हाँ, ये मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि जो मुझे डाउट हो रहा है ना, वो पहले भी हमारे शो में एक दफ़ा इनका वो किया जा चुका है। अगर तो ये एंकर हैं जी बिल्कुल, और मॉर्निंग शो की होस्ट हैं, तो ये सनम बलोच है। इट मीन्स कि आज के जो हैं, हम लोगों ने तो पजल कर दिया था कि आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, वो दीजिए सनम बलोच है ये। हाँ बिल्कुल, चलते हैं इसके साथ ही अपनी नेक्स्ट पिक्चर पे और देखते हैं कि हमारे होस्ट की उनके बारे में क्या राय है। जी तो हमारी नेक्स्ट पिक्चर है दोबारा से लेजेंड, ये दोबारा से लेजेंड है और ये उन्हीं की तरह के एक लेजेंड है जी बिल्कुल, और जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि अगर मैं हिंट दूंगा तो आप भी जान लेंगे, मैंने मुझे पता चल गया कि जब ये दुनिया से गए तो इन्होंने अपनी तमाम प्रॉपर्टी जो है वो पाकिस्तान के नाम कर दी। वाओ, मुझे इस बारे में नहीं मालूम था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने जितना भी इनका, क्योंकि इनकी औलाद नहीं थी, बच्चे नहीं थे इनके, तो इन्होंने मरने के बाद अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो पाकिस्तान के नाम कर दी। तो ये एक वाहिद वाकया है, मेरा ख्याल है कि आज तक किसी ने इस तरह की कोई चीज़ नहीं की होगी कि उन्होंने, और उनकी अगर हम जिंदगी पे नज़र डालें तो उन्होंने हमेशा जो है वो पाकिस्तान के हवाले से बात की, और ये वही शख्सियत है जिन्होंने सबसे पहले टीवी पे अनाउंसमेंट जो है वो इन्होंने की थी, जब चैनल स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले अनाउंसमेंट जो है वो तारिक अजीज़, और इनके शो में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, वो निजाम घर कौन नहीं जानता, बहुत सारे लोग जो कि पुराने हैं हम देख रहे हैं तो वो उनको पता है कि नीलाम घर किस बुलंदियों पे जाके मतलब उन्होंने इसको किया, और मतलब जब टाइम होता था 8 बजते थे तो सब लोग बैठ जाते थे नीलाम घर आने वाला है, तो इनकी बहुत ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया, वो भी उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, फिर शो के हवाले से, और जो आखिर पे जो काम कर गए हैं वो मैं समझता हूँ कि कहते हैं सबसे बड़ा काम है, वो याद रखी जाएगी ये बात उनकी। इसके साथ ही वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा और देखते रहिए गपशप नामा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गपशप नामा और चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ जो कि है बिन बुलाए मेहमान। जी सना, आज हम अनाउंस तो हमने कर दिया है हमारा आज जो है वो लास्ट सेगमेंट है बिन बुलाए मेहमान, लेकिन आज हमारे पास गेस्ट कोई नहीं है, तो आज क्या करने क्या करें सर, कभी कभी अच्छा होता है कि गेस्ट ना हो। हाँ ये भी है, साहब की बात सही है कि रोजाना घर में गेस्ट आने भी नहीं चाहिए, वरना खर्च बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जी बिल्कुल, तो सर आज हम इस बॉटल के बारे में बात करते हैं, ये आज आप सेट पे लेके आए हैं, इस बॉटल की क्या खास बात है? ये एक्चुअली मैं रोज़ जाता हूँ मॉर्निंग वॉक पे, तो आज जब मैं जा रहा था तो रास्ते में मुझे ये ऐसे नज़र आई है और मैंने, मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो मैंने कहा चले लेके चलते हैं साथ, और मैं साथ ही लेके आया हूँ आज अपने सेट पे, मैंने कहा चले वहाँ पे रखेंगे तो ज़रा मज़ा आएगा। ओ सर ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा धुआं हो गया है, ये कौन है? बात सुनो जी, आप कौन हमारे शो में हमारे शो में आप क्या कर रहे हैं? आपको डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल, मुझे तो इनसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अच्छा जी चले, आप हमारे मेहमान में रखा है आप इधर। बिल्कुल, आज बिन बुलाए मेहमान वाकई में हो गया, आज बिन बुलाए मेहमान ना करें ये। कौन है आप और कहां से हैं? मैं कोकाफ का जिन हूँ। कोकाफ से आ गए आप यहाँ पे? कोकाफ के मॉडल टाउन के कोठी नंबर 1 से आया हूँ। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये आप हंस रहे हैं कि डरा रहे हैं? नहीं, मैंने क्यों डराना, मैं जिन हूँ, मैं कोई फिल्म स्टार शान नहीं हूँ। अच्छा क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप, हमारे स्टूडियो में क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता ये क्या है, क्या है, क्यों है, कैसे है, मैं तो यहाँ पे आया था। अच्छा आप हमारे 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 कोकाफ के जो जिन्नात हैं, उनके जो देवात हैं, उन्होंने मुझे भेजा है 5 साल के लिए, मेरा कामा लगाया है उन्होंने 5 साल के लिए, कामा लगा दिया उन्होंने, कहा जाओ। अच्छा बात करें, आप डरा रहे हैं, जाओ ऐसा बात करें, डरा रहे हैं आप तो? नहीं मैं नहीं डरा रहा हूँ, आप खुद डर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप 5 साल आपने यहाँ पे रहना है? 4 साल गुजर गए हैं, 4 गुजर गए, 1 साल बाकी है। अच्छा, मेरा कामा खत्म होने में। हाँ। मैं इंसानों में आया हुआ हूँ, मैं इंसान हूँ,
मैं इंसान हूँ। आप इंसान लग तो नहीं रहे हैं वैसे। आपको नहीं लग रहा हूँ, वरना मुझे मुझे मेरे जो देवता है मुझे वो सोना कहते हैं। सोना सोना कहते हैं क्योंकि उनमें मैं बहुत सोना हूँ, मुझे सोना कहते हैं। अच्छा, इंसानों में आगे क्या फील कर रहे हैं आप? मैंने यहाँ पे जब आया इंसानों में, पहले मैंने ये सोचा हम इंसानों वाले खाने कैसे खा सकते हैं, ये बर्गर कैसे खा सकते हैं, शुआरमा कैसे खा सकते हैं, ये पिज्जे कैसे खा सकते हैं। तो हमारे देवता ने कहा तुम इंसान बन जाओ, तुम्हारा 5 साल के लिए कामा लगाते हैं, तुम जाओ इंसानों में। इंसानों में आया, मैंने पिज्जा भी खाया, बर्गर भी पिया, वो मैंने पेप्सी भी पी, मुझे मजा आया। पिया नहीं, बर्गर खाते हैं। अच्छा, वो आप तो वैसे पी गए होंगे, आप तो जिन्न है ना। ओ, बोतल भी गायब, सब गायब। अच्छा, बड़ा मजा आया। तो कैसा लगा पिज्जा खा के, कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक बात है कि इंसान जो है ना झूठ बड़ा बोलते हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, एक दूसरे की को छितर मार रहे होते हैं। अच्छा, छितर, छितर का ही पता है आपको? एक दूसरे को ठुडे मार रहे होते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं। ये इंसान, मैंने तो सोचा था इंसान बनूंगा अच्छा लगेगा, लेकिन मैं अब तंग पड़ गया हूँ। क्या और क्या? बहुत तंग पड़ गया हूँ। और मैंने क्या करना है, हमारा हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिनों का वो बना हुआ है, वहां से मैं कट गया हूँ। उनको मेरा पता नहीं है, मुझे उनका पता नहीं है। अच्छा, एक साल गुजरने के बाद फिर मैं अपने ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा। अच्छा, अपना नाम तो बताएं, आप नाम क्या? मेरा नाम सोना जिन, सोना जिन, सोना सोना कहते हैं मुझे। बाकी सारे आपसे ज्यादा खूबसूरत हैं या आपसे कम खूबसूरत हैं? नहीं, वो बस खूबसूरत है, खूबसूरत है वो। अच्छा, आप उर्दू बहुत अच्छी बोल रहे हैं, ये कोकाफ में भी बोली जाती है? बता रहे, 4 साल हो गया मुझे इंसानों में, जो भी मुझे मिला वो उर्दू बोलता है, घर में वो पंजाबी बोलता है, बाहर आता उर्दू बोलता है, किसी के साथ कोशिश करता है इंग्लिश में बात करने की। मैंने ये देखा है ये तीन जुबानें क्यों हैं, एक जुबान होनी चाहिए सबकी, जैसे हमारी ये जुबान है। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि इंसान बनने का शौक कैसे पैदा हुआ आपको? इंसान बनने का शौक मुझे ऐसे पैदा हुआ कि हम जब देखते थे तो हम वो गोश्त खाते थे जिसमें से वो खून खून निकलता है, लेकिन हमने कहा नहीं, इंसान ये नहीं खाते हैं, अच्छी चीज खाते हैं, मुझे इंसान बनाओ। मैंने जाना इंसानों में, मैं आ गया, लेकिन खाने अच्छे हैं, इंसान अच्छे नहीं है, इंसान झूठ बोलते हैं। अच्छा, क्या और क्या बुरा लगा आपको इंसानों में? इंसान देखो एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, बाप बेटे को मारता है, बेटा माँ को मारता है, ये देखा है हमने, हमने अपने कानों को हाथ लगाया है कि हम कभी इंसान नहीं बनेंगे, हम जिन रहेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, एक इंसान कोई इंसान गलत हो सकते हैं, बहुत सारे अच्छे भी तो होंगे ना, हम भी तो इंसान हैं, हमें भी आप बुरा कह रहे हैं फिर? नहीं, हर जगह पे बुरे इंसान हैं, ज्यादा हैं। अच्छा, ज्यादा बुरे हैं, कम अच्छे हैं। अच्छाई भी तो देखी होगी, वो भी बयान कर रहे हो ना आप। कम अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, हमने देखा है, हम उनके पास खड़े हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इबादत नहीं छोड़ी। हाँ। उन्होंने अपनी इबादत को मुकम्मल किया है, वो मजहब को लेकर चलते हैं, अच्छे इंसान है वो, लोगों की मदद भी तो करते हैं। हम लोगों को भगा देते हैं, वो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, हम लोग भाग जाते हैं। अच्छा, वो अच्छे इंसान है, बाकी जितने भी हैं दूसरे हमारी तरह शैतान है। और ऐसे इंसान भी तो देखे होंगे ना जो दूसरे इंसानों की मदद भी तो करते हैं, ऐसे भी तो इंसान नहीं है। मैंने किसी को मदद करते नहीं देखा, मदद जरूर करते हैं लेकिन उसमें उनका कोई मतलब होता है, फिर मदद करते हैं वरना नहीं करते हैं। मैंने देखा है उनको। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को नहीं, अल्लाह खामोशी के साथ नहीं करते हैं। वो कहते हैं हमारी तस्वीरें बनाओ, हमें नेट पे चढ़ाओ, वो ये कहते हैं, फिर वो मदद किसी की करते हैं। ये इंसान गलत है, इसीलिए कोरोना आया है, इनके लिए आया। अच्छा, है कोरोना का ही पता है आपको? मुझे कोरोना का पता है, मुझे कोरोना 2-4 दफा मिला, मेरे साथ बैठा, उसने खाना खाया। तो कोरोना को आप यार कह देना कि यहाँ से चला जाए आप। नहीं, कोरोना कहता है मुझे ऊपर से भेजा गया है। अच्छा, तो मैंने अपना काम पूरा करके जाना है। क्या तो काम करना है ये उनको पता हो, कोरोना को पता हो कि वो क्या काम करने के लिए आया है। वैसे एक बात है, कोरोना ने आके कई लोगों को वजू करना सिखा दिया है। अच्छा, इस बोतल में आप क्या कर रहे थे? मैंने वो बोतल मुझसे टूटी, आप निकल आए। ये मेरा घर था। अच्छा, ये घर मैं जहाँ अभी घूमता था, घूम घाम के इसमें आके क्यों इसमें मॉर्निंग वॉक करते हुए मिली है, वो इतनी अच्छी बोतल थी, मैंने कहा मैं जा मेरा क्या पता लगना आपको
मेरा क्या पता लगना आपको, मैं तो चिपका हुआ था। अच्छा, आपको क्या पता चलना। बंद किसने किया था आपको? किसमें? इस बोतल में। इसमें मुझे किसी ने बंद नहीं किया, मैंने इसको डेरा बनाया अपना। अच्छा, आपका डेरा था वहाँ पे, ये खाली बोतल पड़ी थी। तो वो टूट गया, फिर क्या करा? कहाँ टूट गया? हम बाहर आ गए, हम बाहर आ गए। अब हम नया ठिकाना बनाएंगे, किस नई जगह बनाएंगे रहने के लिए। अब ये टूट गया, अब हम किसी के जग में घुस जाएंगे। अच्छा, चले ग्लास में घुस जाएंगे। इंसान बनने का शौक भी था आपको, तो इंसानों के लिए अच्छे काम करो ना आप। इंसानों के लिए अच्छे काम एक ही है, एक ही है, इन इंसानों को छित्तर परेड करो, ये ठीक हो जाएंगे। अच्छा, छित्तर परेड? हाँ, नहीं तो नहीं ठीक होंगे ये। इनको कुछ समझाने वाला आएगा तो समझेंगे। अच्छा, तो मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने कहा कि आप इंसानों में आना चाहते थे, लेकिन आप अभी इंसानों में आए तो आपने इंसानों को देखा और आप कहते हैं कि इंसान नहीं होना चाहिए, आपने वापस जाना है। ऐसा क्यों? इसलिए कि इंसान जो है, देखे हमारे देवता हमें बताते हैं कि अल्लाह ने 18,000 मखलूकात पैदा की हैं, उसमें एक मखलूक जो इजाजी मखलूक है, जिसको अजाफी चार्ज दिया है, वो है इंसान। इंसान को अशरफ़ल मखलूकात कहा गया। बाकी की मखलूकात जो हैं 18,000 में से, उसमें हम भी हैं, हमारी बहुत सी नस्लें हैं उसमें, लेकिन हमने इंसान को अच्छा समझ के इंसान बनने की कोशिश की, लेकिन नहीं 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 नहीं, हम नहीं बनेंगे इंसान, इसलिए कि इंसान ठीक नहीं है। इंसान जो है, जिस काम के लिए भेजा गया था, इंसान वो काम नहीं कर रहा, इंसान वो काम कर रहा है जिसके लिए नहीं भेजा गया था। आप क्या कहते हैं, क्या कैसा होना चाहिए? मैं ये कहता हूं कि देखें, इंसान किसी की मदद नहीं करता, अगर करता है मतलब के बगैर नहीं करता। हम लोग फिर जब ये चीजें देखते हैं तो उनको तंग करते हैं, जब उनको तंग करते हैं तो फिर वो मौलवियों के पास जाते हैं, वहां पे 20,000 देते हैं, 30,000 हमसे जान छुड़ाने के लिए, फिर हम वहां पे कहका लगाते हैं कि जो किसी की मदद नहीं करता मतलब के बगैर, वो इंसान नहीं है, वो शैतान है, शैतान है। आपके कहने का मतलब ये है कि इंसान को बिना मतलब मदद करनी चाहिए किसी की भी? हाँ, बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी मकसद के उसको मदद करनी चाहिए, ढूंढना चाहिए उसको कि कौन सा इंसान है जो मदद के लायक है, और उसके पास पहुंच के उसकी मदद करके आए। नहीं तो अगर कोई मतलब करेगा तो वो हमसे भी बुरा है, वो हमसे भी बुरा है। ये इंसान इस काबिल नहीं है कि इस इंसान को इंसान कहो। और इसमें ये बात है, अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान की मदद करने के लिए भेजा है, उसके काम आने के लिए भेजा है, उसका ध्यान रखने के लिए भेजा है, उसका ख्याल रखने के लिए भेजा है। अगर इबादत की जरूरत होती तो हम लोग जितने हैं उतना इंसान नहीं है, इंसान उतना नहीं जितने हम लोग हैं। अगर इबादत की जरूरत होती अल्लाह ताला हम पर ड्यूटी सौंपता, लेकिन इंसानों पे सौंपी, इंसानों ने इंसानों वाला काम नहीं किया, नहीं किया। जिन आदमी अभी आपने देखा, जिन ने जो लास्ट पे एक मैसेज दिया है, और मैं भी उसी को कहना चाहूंगा कि बाकी अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान की मदद के लिए भेजा है, हकूकुल इबाद जैसे कहते हैं, हकूकुल्लाह के लिए जो है अल्लाह ताला के लिए फरिश्ते काफ़ी थे और बहुत सारी मखलूकात थी जो काफ़ी थी, इंसान को इंसान की मदद के लिए, इंसान को इंसान की हमदर्दी के लिए भेजा गया है। यहीं पे आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में किसी और जिन नहीं किसी और गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और मुझे यानी जायद खान को और मुझे सना इकबाल को दीजिएगा इजाज़त और मुझे